रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है, क्या कुछ उन्होंने कहा आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर में शांति की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, अमर उजाला में ये खबर छपी है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि उरी और पुलवामा की जो घटना थी, उस वक्त मैं ही गृह मंत्री था, जब मैं अपने शहीद जवानों का शव अपने कंधे पर लेकर आगे बढ़ा तो जो हमारी स्थिति थी उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इन घटनाओं के बाद पीएम मोदी के साथ एक बैठक हुई, तो ये राजनाथ सिंह ने कहा, और कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन की चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है। देखिए, अमर उजाला ने इस खबर को प्राथमिकता दी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री ने चुनावी रैली में कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा है। इस खबर को प्रमुखता दी गई है अमर उजाला के द्वारा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देखिए ये अहम बयान दिया है। और इसी के साथ साथ आप समझिए कि वो कहते हैं कि अमन की चर्चा केवल भारत ही नहीं, सीमाओं तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। यहाँ अमन होने के कारण ही हमेशा 370 अनुच्छेद हटाने का विरोध करने वाले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीर में बर्फ से खेल पाए थे। अब आप देखिए, एक तो मोनिका सबसे अहम चीज है कि आप भी अखबार की कटिंग्स देख रही हैं, लेकिन मैं भी देख रही हूँ, लेकिन मेरे पास ज्यादा अच्छी अच्छी कटिंग्स आ रही है, अच्छी खबर अपने दर्शकों को बताने का ज्यादा मौका मुझे मिल पा रहा है, आपसे तो चर्चाएं हो पा रही है। चलिए, मजाक से हटके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जिक्र कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब वो CAA को लेकर बयान देते हैं, वो UCC को लेकर बयान देते हैं, वो ये भी स्पष्ट करते हैं कि CAA जब लागू हो जाएगा तो किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, ये रक्षा मंत्री स्पष्ट करते हैं। और UCC को लागू किया जाएगा, ये आप देखिए कि बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में भी जिक्र करती है। और विधानसभा चुनाव आपको याद होंगे उत्तराखंड में हुए थे, तो पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री, उन्होंने इसका जिक्र किया था और कहा था कि UCC लागू करेंगे, और UCC लागू किया गया है उत्तराखंड में भी। अब देश में इकलौता राज्य है जहां पर UCC लागू है वो उत्तराखंड है, और आजादी से पहले देखिए गोवा में भी था, और इसलिए लिहाज से तो देखें तो फिर गोवा और उत्तराखंड दोनों में UCC है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान जो है वो और ज्यादा मायने हो जाता है जब वो CAA को जिक्र करते हैं, वो UCC का जिक्र करते हैं, और इसी के साथ ही वो कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी निशाना साधते हैं। देखिए, 370 हटाने का जिक्र भी रक्षा मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री अमित शाह लगातार जिक्र करते हैं। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने पहले भी कई मंचों से अलग अलग बातें कही थी, उन्होंने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता में आती है तो धारा 370 जिस तरह से हटी थी वहां से सशस्त्र बलों को भी हटा लिया जाएगा। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जम्मू कश्मीर की जनता को हम चाहते हैं कि जो लाभ बाकी भारत देश को मिल रहे हैं वो तमाम लाभ जो हैं वो JNK की जनता को भी मिलने चाहिए, वहां पर भी विकास की बयाजो भी बहनी चाहिए, यानी जम्मू कश्मीर अब भारत का हिस्सा है। ये बात वो लगातार अलग अलग मंचों से कह रहे हैं, और ये भी कहा गया है कि अगर जम्मू कश्मीर में सशस्त्र बलों को जो वहां पर अभी वहां पर है वो उन्हें बुला लिया जाएगा अगर एक बार फिर से मोदी सरकार आएगी, तो अलग अलग मंचों से ये बात लगातार कही जा रही है और ये भी जताया जा रहा है कि भारत की स्थिति अब पहले से कितनी ज्यादा को लेकर भी दावा करते हैं, कश्मीर तक सीमित नहीं करते, वो कहते हैं POK भी हमारा और उसे भी वापस लेकर रहेंगे। और ये भी लगातार कहा जा रहा है कि देखिए अगर भारत की जो अब छवि है वो कितनी बदल गई है, अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बात को सुना जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बाकी देशों की नजर में बढ़ चुकी है, भारत एक वैश्विक बड़ी शक्ति बनकर लगातार उभर रहा है, UN में भी उसकी बात सुनी जाती है, बाकी जो देश है वो उसे सलाह मशवरा करता है, तो ये अपने आप में काफी। और अभी रिसेंट का बयान भी आपको चारों याद होगा जब पाकिस्तान को सलाह दे डाली थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, उन्होंने भी कहा था कि अगर अपने अंदरूनी मामले आपसे नहीं निपट रहे, अगर आतंकवाद पर आप लगाम नहीं लगा पा रहे हैं तो भारत से आप मदद ले सकते हैं, क्योंकि भारत अब इतना सक्षम हो चुका है। तो ये यहाँ पर मुझे भारत के साथ साथ मुझे रूस के लिए भी बयान याद आता है जब वो कहते हैं कि पुतिन को मैं सार्वजनिक तौर पर ये कह सकता हूं कि इस युद्ध का जो हल है वो बातचीत से ही निकलेगा। और आपको याद होगा कि जब हम देखते थे कि युद्ध चल रहा है, क्योंकि अब भी चल रहा ही है रूस और यूक्रेन के बीच, लेकिन ऐसे में ये माना जाता था कि भारत अगर बातचीत करे, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी इस बात का जिक्र करते हैं मंच से और कहते हैं कि अगर भारत पहल करे और रूस के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन, उनसे बातचीत करे अगर भारत या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें, तो वाकई ये युद्ध जो है वो रुक सकता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत जो है भारत बिल्कुल कर सकता है, भारत कर पाने में सक्षम। एक छोटा सा